इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि रामलला का मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बन रहा है, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त को कर दिया है। इनके पास कोई भी चीज़ किसी तरह का आधा नहीं बचा है, इसीलिए ये छोटी राजनीति कर रहे हैं कि हम सब मूर्तियां लगवाएंगे, भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे, ब्राह्मणों को रिझाने का काम करेंगे। तो ये ब्राह्मणों को क्या रिझाएंगे, ये बुद्धिजीवी लोग हैं, इनको क्या रिझाएंगे? और भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगे, अच्छी बात है, ये सभी और भी महापुरुष सब की मूर्ति लगे, लेकिन इस बीच में मूर्ति का मुद्दा उठाने का कोई औचित्य नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सबकी मूर्ति लगे, भगवान परशुराम की भी लगे। काशी के संतों ने मांग करी है, जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ है रामलला, वैसे ही मथुरा में और काशी में भी जो जगह है विवादित है जो कहते हैं, उसमें भी मंदिर का निर्माण हो, इस निर्णय को किस तरीके से? देखिए, निर्णय ये तो मेरे ख्याल से मेरा अपना पर्सनल है कि वो ठीक नहीं है, और इसी नहीं है कि देखिए, जब तक ऐसे मुद्दों पर माननीय कोर्ट का कोई आदेश ना आ जाए, तब तक इस तरह की कोई स्टेटमेंट दे उनका व्यक्तिगत सोच हो सकता है। ये सब चीज़ें कायदे से कानून के दायरे में ही होनी चाहिए, जैसे हमारा ये रामलला का मंदिर का हुआ है।